पहले सिक्योरिटी यहाँ पर खड़े थे इसलिए हम लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी ने हमको थोड़ा सा दिलासा दिया है। जब उनको पता चला है कि मैं बाबा साहब के फैमिली का हूँ तो उन्होंने हमको अलाउ किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोर्ट है, ये कोर्ट रूम है और यहाँ पर जज बैठते हैं और यहाँ पर सारी प्रैक्टिस होती है और क्लासरूम्स भी यहीं पर होती है। यहीं पर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को यहाँ पर लॉ सिखाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है। और अगर आप देखते हो कि एग्जैक्ट जज के सामने मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का बस्ट वहाँ पर रखा हुआ है। जज भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखकर या बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस संघर्ष को देखकर न्याय देने का काम करता है। ये और एक यहाँ पर स्टूडेंट्स का पैनल बना हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठते हैं। और अगर आप देखोगे कि अभी 4 बजे तक ये यूनिवर्सिटी चलती है, अभी 4 बजकर हो गए हैं, इंडियन टाइम के अनुसार 11 बजे होंगे, 11:30। आप अगर सीटिंग अरेंजमेंट देखते हो तो सभी बच्चे बाबा साहब के बस्ट की ओर मुंह करके बैठते हैं। ये जो चेयर्स लगी हैं, ये जो चेयर्स लगाई हैं, इसकी दिशा अगर देखते हो तो सभी बच्चे इस तरह से बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं और इस तरह से लेक्चर्स होता है। और वहाँ पर स्क्रीन्स लगी हुई है तो सभी बच्चे जब यहाँ पर बैठ कर पढ़ाई करते होंगे तो ऑब्वियसली, मैं तो मेरे कॉलेज में फर्स्ट बेंचर था तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के ही हम पढ़ाई करते। तो मैं वो फील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठकर बाबा साहब के सामने बैठकर यहाँ के बच्चे लॉ पढ़ते हैं, कानून की किताब पढ़ते हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उल्लेख किया गया है वो लिखा हुआ है, ब्रिलियंट इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस भी रखी हुई है। देखो हमको ये बात समझनी चाहिए, आज ये किताबें हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी, हमारे रिसोर्सेस है, लेकिन हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड बाबा साहब की इन किताबों को पढ़ रहा है, राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ रहा है। ये वॉल्यूम 21 है, ये वॉल्यूम 21 आज यहाँ के वर्ल्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं और हम बाबा साहब के बच्चे होने के बावजूद बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेस को नहीं पढ़ रहे। ये इतनी सारी किताबें लॉ के ऊपर रखी हुई है, लॉ रिपोर्ट्स है, अलग अलग साल की ये लॉ रिपोर्ट्स है, लॉ की किताबें यहाँ पर रखी हुई है। और ये यहाँ पर अभी सिक्योरिटी नहीं है तो मैं थोड़ी सी किताबें पढ़ के, द लॉ लोकल गवर्नमेंट एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईयर वाइज इन्होंने लगा के रखी हुई है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये बहुत हमारे लिए, इंडियंस के लिए और बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को लगता है, गौरव लगता है कि एक समय था कि बाबा साहब को स्कूल के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी, अब बाबा साहब वर्ल्ड के कोर्ट में बैठे जाते हैं। ग्रेज इन में भी आप लोगों को पता चला होगा कि बाबा साहब के वर्ल्ड 10 बेस्ट बैरिस्टर्स में अब बाबा साहब का फोटो लगाया जाता है। तो ये एक हमारे लिए एक नई बात है कि ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी का बस्ट यहाँ पर लगाया है। ये जानकारी मैं भारत के सभी भारतवासियों को, और केवल भारत के लोगों को नहीं, बाकी के देशों के लोगों को, जिनको रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को तो ये पता होगा क्योंकि अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के लोगों ने मुझे बताया कि सर यहाँ पर बाबा साहब का बस्ट है और मेलबॉर्न में भी यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब के इसी तरह से बस्ट वहाँ पर लगाया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला है, जहाँ पर इंडिया में बाबा साहब के पुतलों को तोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने देखा हैदराबाद में क्या हुआ, एक तरफ बाबा साहब का पुतला हैदराबाद में आप तोड़ रहे हो, उत्तर प्रदेश में भगवा रंग डाल रहे हो, यहाँ पर बाबा साहब ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, लंदन में है, अमेरिका में है, कहाँ कहाँ तक बाबा साहब को आप लोग छूने की कोशिश करोगे। आज सही मायने में बाबा साहब आप लोगों के हाथों के, बाबा साहब का पैर का जो नाखून है वो भी आप लोग नहीं छू सकते, इतनी महान काम बाबा साहब ने किया है। तो आज उन्हीं बाबा साहब को हम यहाँ पर नमन
नमन करते हैं और उनके विचारों को भारत में और भारत के बाहर सभी बाबा साहब के मानने वाले लोगों के दिमागों में कैसे उनको पहुंचा सकते, ऐसे प्रेरणा लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आमचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि तुम्ही जर आमचा व्हिडिओ फेसबुकवर पाहत असाल तर नक्कीच फॉलो करा।